जय हिंद। इसके पहले हमने यूनिवर्सल ड्रिल मशीन के बारे में समझा था और आज हम लोग इस वीडियो में मेनली कंटिन्यूअस माइनर जो आपके अंडरग्राउंड माइंस में यूज़ होते हैं मशीनरी उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों हम लोग कंटिन्यूअस माइनर के बारे में डिटेल्स में तो चर्चा करेंगे, साथ ही साथ इनके सेफ्टी फीचर्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहली बार आप वीडियो पर आए हैं तो मैक्सियो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, इस वीडियो को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ऐप पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आइए हम लोग समझते हैं कि कंटिन्यूस माइनर के बारे में। यहाँ पर आपके रियलिस्टिक डायग्राम दिए गए हैं ताकि आपको समझने में ज़्यादा परेशानी ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मशीन है इसका जो नाम होता है उसको हम लोग कंटिन्यूअस माइनर के नाम से जानते हैं। और इस मशीन के यदि हम लोग पार्ट्स के बारे में बात करें तो ये आपका ये जो आप देख पा रहे हो इसको हम लोग गैदरिंग आर्म कहते हैं। और ये मशीन आपका एक क्रोलर माउंटेड मशीन होती है। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि एक क्रोलर लगा हुआ है जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये रेंग करके चलती है, उसी को हम लोग क्रोलर बोलते हैं। तो ये थोड़ा रेंग रेंग के चलती है इसलिए इसका नाम क्रोलर माउंटेड मशीन पड़ा। और इस मशीन में बेसिकली आप ये काला काला वाला पार्ट देख रहे हो इसको हम लोग हाइड्रोलिक सिलेंडर कहते हैं। ये जो हाइड्रोलिक सिलेंडर है इसका मूवमेंट के कारण ये जो आपका कटर हेड है इसका मूवमेंट के कारण सिलेंडर के बेसिकली मूवमेंट के कारण ये कटर हेड मूव करती है अप एंड डाउन में। तो ये ऊपर भी जा सकती है कटर हेड और नीचे भी आ सकती है ताकि जो ये जो कोल कट करती है वो इजीली कर पाए। और साथ ही साथ यदि हम लोग और भी बात करें तो ये आपका जो फुली डायग्राम है उसको हम लोग कटर हेड बोलते हैं। कटर हेड में मेनली आपका ये जो खड़ा खड़ा आप देख पा रहे होगे उसको हम लोग कटिंग ड्रम कहते हैं। और कटिंग ड्रम के में ही आपका मेनली पिक्स लगा होता है, PICKS पिक्स, छुरी जिसको हम लोग छुरी बोलते हैं। ये जब कोल कटिंग करती है तो बेसिकली आपका गैदरिंग आर्म पे ये यहाँ पे गिरता है। कोल जब कटिंग होता है तो यहाँ पे गिरता है, जब यहाँ पे गिरता है गैदरिंग आर्म में तो गैदरिंग आर्म से फर्दर आपका इसका बूम कन्वेयर में जाता है। ये जो बूम कन्वेयर है इसमें आपका मेनली कोल यहाँ पे आ जाता है। जब कोल यहाँ पे आया तो यहाँ पे हम लोग फर्दर एक शटल कार को प्लेस कर देते हैं जिसके कारण ये जो कोल है वो इस शटल कार में लोड हो जाता है। अब ये जो शटल कार है वो फर्दर आपका डिस्ट्रिक्ट का जो भी बेल्ट कन्वेयर हो गया, चेन कन्वेयर हो गया, उस पर वो डिस्पेच कर देती है। और वो जो आपका डिस्ट्रिक्ट बेल्ट कन्वेयर हो गया वो आपको फर्दर सरफेस में ला के कोयला को डंप कर देती है। तो यहाँ तक ये आपने समझा। और भी हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में यदि बात करें तो यहाँ पे आपके इस ये पार्ट्स के बारे में लिखा हुआ है ताकि आपको ज़्यादा इजीली ग्रिप अप मिल सकें। तो यहाँ पे देखिए ये आपका पहला पॉइंट है कटर हेड। कटर हेड यही है आपका कटर हेड। और यहीं पे आपका देखिए ये जो छुरी टाइप का निकला हुआ है यहाँ, इसमें इसको जूम कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको लगेगा कि शार्पेड पॉइंटेड टाइप का बना हुआ है, इसी को हम लोग कटिंग पीक्स के नाम से जानते हैं। और ये जो ड्रम देख रहे हैं उसी को हम लोग कटर ड्रम कहते हैं। और जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कटिंग हेड को मूवमेंट को करने के लिए अप एंड डाउन करने के लिए इसमें एक दो सिलेंडर्स होते हैं जिसको हम लोग हाइड्रोलिक सिलेंडर के नाम से जानते हैं। और ये जो आर्म देख पा रहे हो उसको हम लोग गैदरिंग आर्म कहते हैं। ये मशीन का बूम हो गया, यहाँ पर आपका चेन कन्वेयर हो गया, मशीन का इनबिल्ट चेन कन्वेयर होता है। और ये आपका क्रोलर हो गया, ये आपका ट्रैक्शन हो गया। तो ये सभी मेनली पार्ट्स होते हैं एक कंटिन्यूस माइनर के। यहाँ पे भी मैंने इसके कुछ पार्ट्स के बारे में लिख दिया हूँ, जैसे कि आपका कटर हेड हो गया, गैदरिंग आर्म हो गया, यहाँ पे आपने जैसा कि देखा सेंट्रल चेन कन्वेयर, इसी को हम लोग सेंट्रल चेन कन्वेयर बोल रहे हैं इस मशीन में। और ये आपका क्रोलर माउंटेड चेसिस हो गया जैसा कि यहाँ पर था। तो और इसमें एक और फीचर्स होता है वाटर स्प्रे एंड स्क्रूबर। दोस्तों जब मशीन को हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो मेनली जब ये कटिंग स्टार्ट करने वाली होती है उससे पहले वो
वाटर स्प्रे करती है। वाटर स्प्रे के साथ साथ इसमें कटिंग भी होता है। यदि ये जो पानी का जो नोज़ल है उसे यदि पानी निकलता नहीं है तो ये बेसिकली ये जो मशीन है वो आपका कटिंग नहीं करेगी, स्विच ऑफ हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ये स्विच ऑफ हो जाती है। क्योंकि इससे ये एक आपका सेफ्टी फीचर्स आप कह लीजिए कि इस मशीन में इनबिल्ट सेफ्टी फीचर्स होता है कि जब ये कटिंग स्टार्ट करने वाली होती है उससे पहले जो वाटर स्प्रे अगर नहीं होगा तो मेनली आपका मशीन वो काम करना बंद कर देगा। इसीलिए इस मशीन में ये तभी ये स्टार्ट होगी जब आपका वाटर स्प्रे जो यूनिट है उससे पानी निकलेगा, तभी जाके ये मशीन वर्क कर पाएगी। तो ये आपका बेसिक पार्ट्स हो गए। अब हम लोग इसके कुछ कुछ डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए हम लोग नीचे के स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ आपके रियलिस्टिक डायग्राम लगा दिया है ताकि आपको ज़्यादा इजीली ग्रिपअप मिल पाए। यहाँ पे अगर आप बात करें हम लोग इस डायग्राम में, तो जैसा कि आप पहला डायग्राम में देख पा रहे हो कि ये जो मशीन है वो आपका बेसिकली एक कंटिन्यूअस माइनर है, और इस मशीन का जो कटर हेड है उससे यहाँ पे ये कटिंग कर रही है। जब कोयला को ये कट करेगी तो मेनली आपका इसका गैदरिंग आर्म पे गिरेगा कोयला, और गैदरिंग आर्म पे गिरने के बाद ये जो यहाँ पे कन्वेयर था उस पे वो डिस्पैच कर देगी, और यही डिस्पैच जब करेगी बूम कन्वेयर पे तो ये जो कन्वेयर है वो फर्दर यहाँ पे अगर हम लोग एक शटल कार को प्लेस कर देंगे तो शटल कार के बॉडी में डाला में ये जो कोल है उसको डिस्पैच कर देगी, उसको फर्दर लोड कर देगी। और जब ये शटल कार लोड हो जाएगा तो उसको ये शटल कार कुछ दूर ट्रेवल करके जो डिस्ट्रिक्ट का बूम कन्वेयर हो गया उस पर वो डिस्चार्ज कर देगी, और डिस्ट्रिक्ट का जो बूम डिस्चार्ज कन्वेयर हो गया वो आपका फर्दर सरफेस में ला के कोयला को डंप कर देगी। तो यहाँ पर ये सभी बातें हो गई। और भी अगर हम लोग इसके रियलिस्टिक डायग्राम को देखें तो यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हो कि कटिंग पिक्स लगा हुआ है। मैं इसे जूम कर देता हूँ, देखिए ये यहाँ बहुत ही शार्प पॉइंटेड होती है जिसके कारण हम लोग इजीली कटिंग कर पाती है। और यहाँ पे आपका हाइड्रोलिक सिलेंडर हो गया, ये आप देखिए इसी को हम लोग गैदरिंग आर्म कर रहे हैं। यहाँ पे मेनली एक चेन कन्वेयर होता है जिसके ये मूव करती है। जब कोयला जब यहाँ पे गिरती है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए तो मेनली कुछ इक्विपमेंट चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग मेनली एक चेन कन्वेयर होता है जिसके मूवमेंट के कारण यहाँ का जो कोयला होता है वो आपका फर्दर बूम कन्वेयर तक पहुँच जाता है। और यहाँ पे आप देखें ये भी आपका रियलिस्टिक डायग्राम जिसमें कि ये कटिंग कर रही है। तो ये सभी हैं आपके कंटिन्यूअस के माइनर के बारे में। आइए हम लोग डिस्क्रिप्शन देखते हैं कंटिन्यूअस माइनर के बारे में। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो कंटिन्यूअस माइनर क्या है, एक कटिंग लोडिंग मशीन है। यहाँ पे लिखा हुआ इट इज़ अ कटर लोडर मशीन। दोस्तों ये जो मशीन है वो बेसिकली जब कट करती है तो कोयला को लोड भी करती है अपने जो बॉडी है उसका उसमें वो लोड भी करती है, फर्दर जो लोड करती है उसको वो डिस्पैच कर देती है शटल कार में, या तो वहाँ पे यदि डिस्ट्रिक्ट का बूम कन्वेयर हो गया तो उसी में वो डिस्चार्ज कर देगी। इसीलिए इसको हम लोग कटर लोडर मशीन के नाम से जानते हैं। और ये जो मशीन है वो आपका बेसिकली कोल को कट करती है और कोल को लोड भी करती है, इसीलिए इसका नाम कटर लोडर मशीन पड़ा है। जब ये मशीन कटिंग करती है और लोडिंग करती है तो बेसिकली ये इलिमिनेट कर देती है ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग को। तो जब भी इस मशीन का यूज़ हम लोग करते हैं वैसे माइंस में करते हैं जहाँ पे हम लोग को ब्लास्टिंग की ज़रूरत ना पड़े, और ये मशीन बेसिकली आपको इलिमिनेट करती है ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग ऑपरेशन को। और भी अगर हम लोग इसके बात करें पार्ट्स के बारे में तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट रिक्वायर्स लेस मैन पावर एंड अचीव हायर प्रोडक्शन। दोस्तों ये जो मशीन है जब अपना मूवमेंट करती है तो बेसिकली इसमें हम लोग को मैन पावर का बहुत कम का ज़रूरत पड़ता है इसको ऑपरेट करने के लिए, और चूंकि मैन पावर कम हम लोग को चाहिए और साथ ही साथ इससे हम लोग को हाई प्रोडक्शन भी मिलता है। क्योंकि मेनली जब हम लोग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करते हैं तो वहाँ पे हम लोग का जो खर्च है वो इंक्रीज कर जाता है, लेकिन हम लोग को आउटपुट जो है वो जो कोल होता है वो हम लोग को आउटपुट ज़्यादा मिल नहीं पाता। इस मशीन से हम लोग को
प्रोडक्शन वो हाई होता है और मेन पावर भी हम लोग को कम लगता है, इसलिए इस मशीन का जो OMS है आउटपुट पर मैन शिफ्ट वो हम ज़्यादा देखने को मिलता है। और भी यहाँ पे फोर्थ नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि व्हेन इट कट्स द कोल इट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ डस्ट। दोस्तों जब ये कटिंग करती है कोल को तो ये बहुत अमाउंट में आपका डस्ट को फॉर्मेशन करती है, इसलिए इस मशीन में आपका इनबिल्ट वाटर स्प्रेइंग एडजस्टमेंट लगा हुआ होता है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। और नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ अ क्रोलर मशीन, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया कि यह एक क्रोलर मशीन होती है जो कि आपका बिजली से चलती है, इट इज़ इलेक्ट्रिकली ड्रिवन। और ये जो मशीन है दोस्तों वो पर मिनट 10 से लेकर 12 टन तक के कोयला को काट सकती है। यदि हम लोग इसके डायमेंशन के बारे में बात करें तो बेसिकली आपका जो कंटिन्यूस माइनर है वो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स पे आते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स के पे आने के कारण इस मशीन का जो डायमेंशन है वो वेरिएशन करता है। लाइक इसका जो लेंथ हो गया वो आपका 10 to 11 मीटर होता है और इसका जो वेट है मशीन का वो 50 to 60 टन होता है। जो आपका कटर हेड आपने देखा उसका जो विड्थ है वो लगभग आपका 3 मीटर होता है। ये सभी जो डायमेंशन है वो वेरिएशन करते हैं क्योंकि डिफरेंट मॉडल्स के कंटिन्यूस माइनर अवेलेबल होते हैं, तो इसको आप देख लें अपने अनुसार। ये सभी थे बातें आपकी कंटिन्यूस माइनर के बारे में। अब हम लोग इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में समझते हैं बारीकी ढंग से। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप डेफिनेटली लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आइए और भी हम लोग इसके बारे में समझते हैं। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि रेडियो रिमोट ऑपरेशन ऑपरेटर वॉज फार फ्रॉम मशीन। दोस्तों ये जो मशीन है उसको चलाने के लिए हम लोग को एक ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि हम लोग अपने घरों के जो टीवी होते हैं उसको हम लोग कहीं दूर में रख करके रिमोट से ही कंट्रोल करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए हम लोग एक रिमोट ऑपरेशन करते हैं। इससे क्या होता है कि जो मशीन है उस मशीन में आपका ड्राइवर बैठता नहीं है, ड्राइवर जो होता है वो आपका दूसरा जगह पे होता है और उसको वो रिमोट से कंट्रोल कर लेता है। और सेकेंड पॉइंट में आपका लिखा हुआ है प्री स्टार्ट वार्निंग सिग्नल। दोस्तों जब ये मशीन आपका मूवमेंट के लिए रेडी होती है तो यह जैसे ही आप इस मशीन को स्टार्ट करोगे तो ये सिग्नल देता है। सिग्नल देने के कारण क्या होता है कि जो भी मैन एंड मटेरियल इस मशीन के आसपास होते हैं वो उसको दूर कर लिया जाता है ताकि जो कोई भी एक्सीडेंट ना हो। अब नेक्स्ट इसमें जो सेफ्टी फीचर्स लगा होता है वो है इसमें का जो कटर हेड होता है उसमें आपका मेनली मीथेन सेंसर लगा होता है। ये जो मीथेन सेंसर है ये मीथेन को सेंस करता है, यदि मीथेन का जो परसेंटेज है वो 0.5% से एक्सीड करता है जब बढ़ जाएगा उस फेस में तो मेनली इस मशीन का जो कटिंग यूनिट है वो मशीन वो स्टॉप कर देगी और ये मशीन मेनली इसका जो ऑपरेशन है वो बंद हो जाएगा जब मीथेन का जो परसेंटेज है वो 0.5% से अधिक हो जाता है तो। और इसमें यदि हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें लिखा हुआ वाटर स्प्रे इंटरलॉक फैसिलिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मशीन अपना ऑपरेशन करने के लिए रेडी होती है तो इससे पहले आपका वाटर स्प्रे निकलता है, जब वाटर निकलेगा तभी जाके आपका जो कटिंग यूनिट है कटिंग ड्रम है वो रोटेट करेगा और तभी जाके आपका जो कोल है वो कट कर पाएगा। यदि मान लेते हैं कि इसमें वाटर है ही नहीं तो क्या ये मेनली वर्क कर पाएगा, तो वैसा नहीं है, ये मशीन आपका वर्क नहीं कर पाएगा। तभी ये वर्क करेगा जब इस मशीन से आपका वाटर स्प्रे स्टार्ट होगा तभी जाके ये मशीन आपका काम करेगा, नहीं तो मशीन ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा। और इसमें नेक्स्ट लिखा हुआ है कि लो वाटर एंड ऑयल प्रेशर स्विचेस। दोस्तों इसमें यदि पानी का जो मात्रा है वो कम होता है या फिर ऑयल प्रेशर वो कम होता है तो मेनली उसमें एक सेफ्टी फीचर्स लगे होते हैं जो कि आपको फर्दर इंडिकेशन देते रहते हैं कि आपका वाटर का लेवल कितना है क्या है, ये सभी आपको बताते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका मास्टर कंट्रोल स्विच। ये जो मास्टर कंट्रोल स्विच है इससे आपको दोस्तों
कुछ ही मिनट में हम लोग ये जो कंटिन्यूअस माइनर का जो मूवमेंट ऑपरेशन है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ये सभी बातें थी आपकी कंटिन्यूअस माइनर के बारे में। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो डेफिनेटली इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ चैनल पर पहली बार आए तो मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह का वीडियो पल पल मिलता रहे। मिलते हैं एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।